गाइस दिव्यांशी का स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि उसका स्क्रू ढीला रहता है तो बार बार उसको टाइट करने लगता है। देखो दो दो लेके घूमती है। नहीं 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 नहीं, सुख से बच्चे को स्क्रू ड्राइवर पूछती है। हेलो दुनिया, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गर्ग और आप सभी ब्यूटीफुल पीपल का वेलकम करता हूं मैं आज के व्लॉग में। सो आज अपने को कॉलेज में बनाना है फ्रॉग, जिसके लिए मैं मटेरियल के लिए लेके आया था, जहां से मैं नवा बाजार गया था। भाई इतना घूमना पड़ा था उस मटेरियल के लिए, मत पूछो। सो मटेरियल लेके आ गया था और रात को मैं जाके अस्तर और उसका जो सीविंग थ्रेड है वो भी लेके आ गया था। तीन चीज़ लेके आ गया था और आज अपने को फ्रॉक बनानी है। वो भी बनाएंगे अपने मौसी की लड़की, अपनी लिटिल सिस्टर पे, जिसका नाम है नव्या। उसके बॉडी का साइज़ भी आ गया, अब बस अच्छे से बन जाए वही अच्छा है। जो मैं पहली बार बनाने वाला हूँ, गलती से भी गलत कुछ हो रहा नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा वो मटेरियल पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर वापस से खर्चा और वापस से 200-300 रुपये का फटका पड़ेगा अपने को। इसलिए मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूँगा कि एकदम आराम से, सेफ्टी से, केयरफुल से करूँ, क्योंकि मेरी उंगलियाँ भी कुछ ना चला जाए। क्योंकि कल दिव्यांशी मशीन पे बैठी थी और उसका जैसे उसका ध्यान हटा, उसकी आधी उंगली आ गई, उसका आधा नाखून भी टूट गया और उसको स्किन पे भी अंदर घुस गई थी। इसलिए अपने को भी आराम से करना है, सेफ्टी से, और कपड़ा की वाट ना लगे और खुद की भी वाट ना लगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई अपने को। क्योंकि मेरे को अपनी प्यारी उंगलियां नहीं गंवानी है, कि मेरे को मेरी उंगलियों पे खरोच भी नहीं आनी और नाखून भी नहीं टूटने देना है। इसलिए सेफ्टी इज मस्ट इम्पोर्टेंट। बना रही मम्मी आज का नाश्ता क्या है मेरा? लंच, सॉरी, ये क्या है? चौली की सब्जी और रोटी जो बन रही है। मुझे लेट हो रहा है यार, बस छूट ना जाए। कल की वॉकिंग ट्रैवलिंग मिनी ट्रैवलिंग से पूरे जूते गंदे हो गए यार, इनको भी चकाना पड़ेगा। चक चका के ये रफड़ का चमका देते पूरा इसको। कल से इतनी बारिश हो रही थी कि वहाँ पे बार बार कीचड़ जम रहा था गड्ढों में और वहाँ पे शूज़ गिर पे चलते चलते पूरा पानी, पैंट पूरी गंदी यार। सब एक बैड न्यूज़ मिल सुनने को मिली, क्योंकि अपनी जो बस है वो आधे घंटे डिले हो चुकी है। भाई सीन हो चुका है अपना, तो मैंने ऑलरेडी इससे टाइम वहाँ पर मुझे पहुँचने में भी लेट होगा कॉलेज, तो इसलिए मैंने फटाफट से कॉलेज के ग्रुप में पहले मैसेज कर दिया कि मैम मैं 15-20 मिनट लेट होऊंगा, क्योंकि मेरी जो बस है वो डिले हो चुकी है। भाई एकदम से मैंने कहा अभी तक बस नहीं आई, आए नहीं, मैं कब से वॉच देख रहा हूँ और अचानक से बस, मैं फ़ोन किया कि बस का क्या सिचुएशन है, आने वाली है कि नहीं आने वाली। तो बोलते सर आज की बस आधे घंटे डिले है, आएगी कंफर्म है, बट आधे घंटे डिले हो चुकी है। भाई वाट लग गई अपनी, कोई नहीं, बैठते अपने मस्त बाकड़े पे और वेट करते, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। मम्मी को बोला कि मम्मी क्या करूँ, तो मैं बोलती है जा चलते चलते लिफ्ट मांगते पहुँच जाओ कॉलेज। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, गेट के सामने बस आएगी तो मैं क्यों आगे जाऊँ खाली फुकट का। सो बस मिल गई, 15 मिनट लेट थी, आधे घंटे इतना लेट नहीं हुआ है। सो अच्छा टाइम पे कॉलेज तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करना रहता है अपने को। सो जाते हैं और गो वन पीस क्या कॉलेज। और अभी मैम ने बोला इनकी इस्त्री करनी है, रंजना दीदी, हाय रंजना दीदी। तो रंजना दीदी इस्त्री कर रहे हैं, हम लाइन में नंबर लगा के खड़े हैं। उसके पीछे रिया है, हाय रिया। उसके पीछे दिव्यांशी और उसके पीछे मैं, और आधा कॉलेज तो बाकी है अभी भी। गाइस दिव्यांशी का स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि उसका स्क्रू ढीला रहता है तो बार बार उसको टाइट करने लगता है। देखो दो दो लेके घूमती है। नहीं नहीं नहीं, दूर रख। आई गो, क्या वेरी गुड। सुख से बच्चे को स्क्रू ड्राइवर पूछती है, बंद कर इसको। देखो कैसे बोल रही है। नहीं, और ये बैग है, कोई है ही नहीं, मेरा अकेले में सबसे लास्ट में हुआ है। और ये लोग तो नाश्ता कर रहे हैं और वो लोग भी नाश्ता करेंगे, मतलब लंच अभी नाश्ता नहीं होगा, अभी तो 1 बज रहे हैं। अपना काम हो गया ख़त्म, अपने करते हैं लंच, इसको रख देते बैग में, नहीं तो फिर कहीं खो भी गया तो। सो मैं घर पे आ गया हूँ और अभी मेरे को जोरदार भूख लगी, क्योंकि कॉलेज का खाना जो होता है वो लंच 12 बजे होता है, और फिर अब भी चुके हैं कितने बज गए, 5:15। भाई पूरा पेट खाली हो चुका है और उल्टा मेरे को वॉक करके आना पड़ा, क्योंकि रक्षित को आधे लेक्चर में उसको जाना पड़ा, बता ना उसको कुछ बिजी काम आ गया, बिजी है बंदा, बहुत बिजी रहता है, तो उसको जाना पड़ा। और अब मेरे को चलते चलते फिर डेपो तक जाना पड़ा। यस जाना ही जाना पड़ता है। सो अपने लिए अपने बनाते हैं खाना अच्छा सा। सो मेरे को मिल गई खिचड़ी, इसको करते हैं गरम और फिर खाते हैं।
सो अपना दिशु भी आ गया। दिशु 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 हेलो, ये क्या कर रहा है फ्रिज में? मेरे लिए, मेरे लिए। और पापा भी आ गए थे जॉब से, वो मेरे लिए चॉकोबार लेके आया। पापा आप लेके आए? ना मम्मी कहीं पाए, मम्मी से पैसे मांग के लिए थे मेरे लिए। हाँ हाय, दिशु चॉकोबार ले आया है साइकिल पे। हाँ चलो खाते हैं यार इसको। अमूल सुगम चॉको पर, ये क्या है? अबे इसमें ब्लॉक्स भर के रखे। हाँ पोपट है। अबे इसने क्या बना दिया? कहा ब्लॉक से? हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ब्लॉक से काजू बार। वाओ ब्लॉक से चॉकोबार बना दी भाई ने। ये मेरे से तो बहुत ज्यादा प्रैंक करने लग गया है यार। मेरे को लगा, मेरे को इच्छा हो गई, अरे वाह घर पे आया चॉकोबार मिल गया, और ये चॉकोबार मिला है जिसको खा भी नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। और अभी ऊपर क्या चढ़ रहा है? चल अभी इसको खाते फिर दूसरे अपने नॉर्मल खिचड़ी खाते, अपने चॉकोबार नहीं खाएंगे। ले भाई तेरा चॉकोबार, तेरे अपने पास ही रख। भैया को प्रैंक किया था हमने, कैसा लगा? मजा आया? मेरे को बख्श दो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अल्फाज नहीं है मतलब बोल इसका। अल्फाज शब्द वर्ड्स मतलब भाई इतना गंदा प्रैंक, पूरा मुंह अंधेरा हो गया। इतना गंदा प्रैंक कौन करता है यार? कल उसने मेरे साथ किया था पर्क का प्रैंक, अब किसने किया मेरे साथ चॉकोबार का प्रैंक? अब कल क्या बता क्या कर लेगा? मुझे इस बंदे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये मासूम शकल आपको कभी भी आपको ठग के जा सकती है। ठग वाला आदमी है भाई ये बंदा। ये बंदा आपके साथ कब प्रैंक करके देगा? इतना मासूम शकल का आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अरे यार डरा मत। ड्रैकुला आ गया। सो मैं इसका लाइन बना के देता हूँ, आधा ही बना है, पूरा बना के देता हूँ। तुझे लाइन चाहिए क्यों ऐसे? मेरे टीम का लोगो चाहिए। कौन सी टीम है तेरी? तेरी कौन सी टीम है भाई? मेरी टीम है ना, कौन सी? समर, अजेश और मैं, मेरा दोस्त है। हाँ तक नीचे तुम्हारी बच्चों की, छोटे बच्चों की टीम, उसके लिए तेरे को ये लोगो बना के दूं मैं। भाई क्या ही बंदा है यार, डेंजर लायन नाम है। अबे 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 भाई संभाल। तेरे से अच्छे से बन के तैयार। और ओ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस बन गया इसका, कंप्लीट हो गया। आधा घंटा लगा मेरे को इसको बनाने में, मैक्सिमम 15-20 मिनट जितना लगा है। हाय राम, अब ये इसने बनवाया, अभी अपने फ्रेंड्स को लाके दिखाने वाला है। बनने वाला है इडली और सांभर विथ चटनी। इसमें बन चुकी है अपनी चटनी और गैस दी। मॉम गैस स्लो है, मम्मी पूछ रही गैस फास्ट है कि स्लो है, तो मम्मी को बोला गैस स्लो ही रखा है अपने। और इसमें बन चुका है अपना अरे ये तो खिचड़ी है रे बाबा। सांभर किधर है? गिर गया। संभाल के। इसमें तो मूंग की दाल है यार। सांभर ये रहा, यहाँ पे सांभर रखा है एकदम साइड में, क्योंकि गर्म होगा इसलिए। इधर से जाता है एकदम से घूम करके घुस जाता है, इसलिए किसी को लगे ना और किसी को गर्म ना लगे, इसलिए मैंने सांभर साइड में रख दिया। सो अपना आधा काम हुआ और मम्मी पापा खाना खाने बुला रहे। मेरा आधा काम तो हो गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना बनाया है। अरे हाँ इतना बनाया है। और मम्मी मुझे बुला रही खाना खाने, तो जाते खाना खा के फिर वापस काम पे बैठते। इडली सांभर लग चुकी है प्लेट में, इसको एंजॉय करते हैं। तब तक आप वीडियो पर लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है, अब सोते हैं। काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख देना भी ना भूले। सो मिलता हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।